माह गुजड़ू हवा देवी टूर्नामेंट का चौथे दिन का दूसरा लीग मैच सुन वर्मा मल्ला वर्सेस सिकवाड़ू बुलेट सल्ट साइड की टीम है, कुमाऊं साइड की बैटिंग सुन वर्मा मल्ला दोनों ओपनर जोड़ी क्रीज में। दोनों बड़ी टीमें, कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के मैच भी देखने को मिलेंगे इसी चैनल पे आपको। अभी तो लीग मैच चल रहे हैं, उसके बाद प्री क्वार्टर, क्वार्टर, सेमीफाइनल, फाइनल के मैच, पूरे मैच दिखाई जाएंगे। सुन वर्मा मल्ला और रिक्वासी का मैच, कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों बड़ी टीमें और बड़े बड़े प्लेयर दोनों टीमों में। पहली गेंद हल्का तो सटक चला प्लस बॉल पे गेंद और पर ये फंडा और यहाँ पे खिलाड़ी जा रहा है। ये सारी शुभकामनाएं रिक्वेस्ट का कप्तान अपने बड़े भाई की दिनेश भाई को भी। जब हवा के खेल में सब आता बड़ी टीम रिक्वेस्ट बढ़िया गेंद कभी पल्ला कभी गेंद और पांचवा काम विकेट के पर ले रहा चित्तर सोलह द्वारा अब दिखाई दी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए। काफी स्थान अभी ने इस क्षेत्र में तो हार्दिक कदम कर चुका है। हम चाहते तो खटेला किसी भी तरह बढ़िया सारी गेंद अब के इस समय तो खाता खुला इस समय आज फर्स्ट कलम सुनवर बल्ला का एक रन स्कोर सीट पे इस समय ओवर नंबर पहला चलता हुआ तो 100 रुपए की पर्ची और 1500 रुपए घर ले जाए तो कब रखेंगे ये तो वक्त बताएगा। टोर का भी हाथ भी चले जाता है। बढ़िया गेंद हल्का आप उसे धकेला किसी भी तरह दिनेश भाई गेंद के नीचे तो इसी तरह से सुगम ने भी खाता खोला और फिर का स्कोर चाहता था टोर ऐसी धकेला किसी भी तरह गेंद को मनोज उस्तार इसी घर के बने से टीम का स्कोर चार रन था। हल्के हाथों से धकेला किसी भी तरह गेंद को विशेष रन की मदद से टीम का स्कोर जा पाया। 5 रन इस समय स्कोर शीट पे बैठे हैं जो कॉल बनेगा करोड़पति के हॉट शीट है। किसी भी तरह धकेला गेंद को विशेष रन से ताज स्पोर्ट्स क्लब सोन वर्मा मल्ला 6 रन ओवर नंबर 2 करता है बिना किसी नुकसान के तो कब पल्ले खुले हवा के कारण होगा। लगने वाला पहला झटका बल्ला खुला नहीं लेकिन विकेट का जरूर खुल जाए। लगने वाला पहला झटका इस समय स्कोर शीट के 6 रन 1 विकेट से नुकसान भी इस समय ताजी स्पोर्ट्स क्लब सुन वर्मा मल्ला। बढ़िया गेंद तो गुरुकुल एकेडमी छाया हुआ इस समय माँ हवा देवी के इस पावन ग्राउंड में। फिलहाल क्रिस गेल भी खुश मुद्रा में वाइड गेंद तो रतन चुप्पा टीम का स्कोर 7 रन स्कोर शीट पे इस समय 7 रन ओवर का बल्ला। बढ़िया गेंद किसी भी तरह स्लिप क्षेत्र में गेंद तीसरे क्रम से स्कोर में जा पा 8 रन तो 2 ओवरों से समाप्त थे 8 रन तो इस ओवर के प्रायोजक है
हल्का सा इजाफा नौ रन इस समय स्कोर सीट पे आ रहे हैं तो सेरा सोने का बनेगा इस बार। बढ़िया गेंद राजीव राय सिंह द्वारा जितनी तारीफ उतना कम भाई लगने के बाद लाजवाब गेंदबाजी जितनी तारीफ उतना कम कहीं बल्ला कहीं गेंद और बाकी समाप्ति चारों ओवरों की समाप्ति पे 24 रन स्कोर बोर्ड पे इस समय एक विकेट के नुकसान पे ताज स्पोर्ट्स क्लब सुंदरमा बल्ला अब्बास किसी भी तरह झकेला गेंद को फॉलो थ्रो में बढ़िया क्षेत्र रक्षण बढ़िया गेंदबाजी इस समय पास द्वारा जितनी तारीफ उतना कम तो बढ़िया गेंदबाजी कर रहा इस समय बल्ला किसी भी तरफ झकेला और तेज से करता काफी दूर बहुत चुका है इस समय खिलाड़ी तो इसी गेंद की मदद से क्वार्टर सेंचुरी पूरी होती हुई तो कुछ लोगों ने जरूर सुना क्वार्टर सेंचुरी 25 रन के लिए पारी नहीं आई अभी और सही नसीहत है इसी तरफ से गेंद के नीचे और कहता हूं पवेलियन इस समय दीपक लगने वाला दूसरा छत का इस समय ताजी सोच कलब सुनवरवा बल्ला
तो अब नए बल्लेबाज दीपू स्टार की उम्मीद होगी इस खिलाड़ी से। तो ढेर सारे शुभकामनाएं दीपेश भाई आपके लिए। तो अपने चाचा श्री और क्षेत्र के वरिष्ठ कमेंटेटर इस समय तो बात अकेला किसी भी तरह खेल को किसी तरह से टीम का स्कोर इजाफा होता हुआ 26 रन ओवर नंबर 5 चलता हुआ दो विकेट के नुकसान पे ताजी स्पोर्ट्स क्लब सुलभरमा बल्ला। तो बंद टूटी हुई गेंदबाजी और घटेगा अकेला किसी भी तरह क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे किसी तरह से टीम का स्कोर हल्का सा उठता हुआ 27 रन ओवर की समाप्ति 5 ओवरों की समाप्ति पे 27 रन बने हैं स्कोर बोर्ड पे। वाइड गेंद को सोजा पहुंचा 28 रन। तो सोनी भाई मजेरा साहब उनका हार्दिक अभिनंदन उनका भी माल्यार्पण होगा। रघुवीर कपड़ा दीपक ओवर ब्रेकेट के बाज का ब्लॉक खोलने के और अकेला किसी भी तरह गेंद को तभी भी स्कोर चीज फिलहाल हल्की सी चोट उधर और प्लेयर बोल आउट होकर पल पे दीपक। तो अपने बल्लेबाज कौन आता है अभी मुझे जैसे बल्लेबाजों का आना बाकी ताजी स्पोर्ट्स क्लब सुंदरमा बल्ला के लिए। फिलहाल दीपक ओवर द विकेट गेंदबाजी बढ़िया गेंद बढ़िया कप्तानी उस समय दिनेश सिंह द्वारा। लगने वाला चौथा झटका इस समय ताज स्पोर्ट्स क्लब सुनवरमा बल्ला तो चल में आता हूँ और दो गोली खाने दिन बैठेंगे तीन यार इस समय वाइट को तो सारा बैटन के साथ स्कोर बोर्ड में हल्का सा हुआ था 35 रन द्वारा जितने तारीख से चला था खेलना जाओ लो कुछ बोल बोल। अरे एक तो छोड़ भी नहीं देना आप खेलन छोड़ जा लो भी डेढ़ सौ भी कुछ नहीं जीता ये पिच मांगा। अरे अकेला किसी भी तरह गेंद को तो इसी तरह से टीम का स्कोर 37 रन स्कोर बोर्ड पे। तो 7 ओवर की समाप्ति पे 37 रन 4 विकेट के नुकसान पे ताज स्पोर्ट्स क्लब सुरमा पर धन्यवाद। अब बाकी के विकेट को इस तरह कम करके जाने से बॉल की मारे गेंद पर 8 रन बेचालीस रन समय स्कोर बोर्ड पर सुंदरमा। अब बात की गेंद को नसीहत देते हुए बात की गेंद बढ़िया गेंद लंबाई की गेंद को देखा परखा बाकी का काम विकेट कीपर के द्वारा फिर गेंद गेंदबाज को दौड़ना शुरू किया। इस बार हल्के हाथों से खेला गया स्टोर दोनों बल्लेबाजों ने चहल कदमी करते हुए अपने अपने छोर बदले एक और रन बात चले कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं फिलहाल बल्लेबाज अपनी क्रीज पर सुरक्षित। और इस बार और आउट हो गए गेंदबाज को तो 48 रन समय सुनवर्मा का स्कोर ताज क्लब सुनवर्मा 8वां ओवर लेकर तैयार सामने है दीपेश।
परजा की दीपक दीपेश के लिए हल्के हाथों से खेला गया स्टोक इंजन स्कोर चलता हुआ वंश आश्रम ओवर नंबर 8 पर गति पर 49 रन 8 ओवर चलता हुआ। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऊपर लेकर किनारा छूटी सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद थमाई तो छठे ओवर विकेट का पतन सोनरमा का। अगर यहाँ से इस मैच बने रहना है तो कम से कम 110-120 रन बनाने होंगे। मैच की तैयार दीपक की गेंद सुरक्षित स्टॉक कोई रन नहीं। दीपक चले तोड़कर दो रन स्कोर इस समय 51 रन समय स्कोर बोर्ड पर। 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद दीपक खराब के दिशा में गेंदबाजी वाइट बोर्ड के खराब पांच के द्वारा चले ओवर की समाप्ति। तो 8 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 52 रन 5 स्कोर गलत सुनवर्मा का। गेंदबाजी राय सिंह चले राय सिंह की गेंद जगत को बढ़िया शॉट उसको लगम पार के जाने से 4 रन 57 रन समय स्कोर बोर्ड पर। सुंदरमा का 9 ओवर प्रगति पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद मावा ने दिया मास मामा ना ना उन्हें आ रहा है बढ़िया खिलाड़ी का प्रयोग मुपाल पहचान मिलवा पहचान मिला मुपाल मार दिया कल की राय सिंह अपने बेटे का तीसरा और पारी करना हुआ। ओवर की समाप्ति तो 9 ओवर की समाप्ति पर इस समय स्कोर बोर्ड पर ठीक जा रहा था। राइट आर्म ओवर द गेंद तो विकेट नंबर 8 का पतन होता हुआ बढ़िया शॉट निकलता हुआ और भी जय रियो 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 इसके नीचे खिलाड़ी तो बेकन नंबर 9 खिलाड़ी अभी गेंदबाज की गेंद डाल रहा था पता रोज पहला थोड़ा मां दे तो भाई 12 बॉल नहीं पहली बता रहा मैं
उनके सामने है भूपेंद्र। कॉल आउट हो गई स्पोर्ट क्लब काल स्पोर्ट क्लब सुनवर्मा की टीम। सुन वर्मा मल्ला की टीम ऑल आउट हो चुकी है 69 रन पर। रिक्वासी को 69 रन जीत के चाहिए।